और भाई क्या चल रहा है? आज ईद का दूसरा दिन है और मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। हाँ, तो आज ईद का दूसरा दिन है तो आप लोग मुझसे ये पूछेंगे कि ईद के पहले दिन मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई। मैंने बनाई थी, थोड़ी सी बनाई थी। ईद का पहला दिन कोई ख़ास नहीं है। मैं सबसे पहले गया नमाज़ पढ़ने, तैयार व्यार होकर। और वहाँ से फिर आके मैं सो गया और फिर मेरी आंख रात में खुली तो रात को कुछ एक्साइटिंग नहीं था करने को। तो आज ईद का दूसरा दिन है, आज दावतें हैं, दावतें नहीं है, दावत है। और अभी दोपहर हो रही है और आज भी मैं थोड़ी देर पहले ही उठा हूँ, तो डोंट जज मी। टाइम निकल गया, मैं उठ चुका हूँ, तो अब जज करने का टाइम गया। तो अभी जाके फ्रेश होंगे और उसके बाद आके आपसे बात करेंगे। हाँ भाई, तो फ्रेश हम हो गए। और आजकल कराची में गर्मी बहुत ज़्यादा है, अगर आपको यकीन नहीं आता तो धूप से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर आप धूप से अंदाज़ा नहीं लगा सकते तो मुझ पे यकीन कर लें। और इस वक्त लग रही है बहुत ज़्यादा प्यास, तो पानी पीएंगे। रोज़ा तो नहीं है? रोज़ा नहीं, रोज़ा तो नहीं है। हाँ भाई, तो पानी हम पी रहे हैं फिर। इतनी गर्मी में ठंडा ठंडा पानी पीने का मज़ा ही अलग है। अगर आपको यकीन नहीं है मुझ पर तो आप ट्राई करके देखें। तो बात करते हैं ईद की। भाई ईद वगैरह अब एक्साइट नहीं करते मुझे। क्यों नहीं करते भाई? क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं, ईद ही नहीं मिलती इतनी। क्योंकि ईद पे सिर्फ दो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, खाना, दावत है, और खाना एक ही बात, और ईद ही। और जब भी आप किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं तो आप दो चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, यही खाना और ईद। अब ईद ही की एक्सपेक्टेशन तो ख़त्म हो गई है, तो एक ही एक्साइटमेंट रह गई है, वो होता है खाना। तो आज रात को दावत है दादी के घर। मुझे पता है मैं बहुत खाना खाना कर रहा हूँ और मुझे ये भी याद है कि मुझे डाइटिंग शुरू करनी है, तो याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। याद है, सब याद रहता है मुझे, सही है ना? तो जो पानी बचा उसको ख़त्म करते हैं और चलते हैं फिर, कपड़े वपड़े निकालते हैं। रात में जाना है वैसे तो, जल्दी नहीं है कोई, इतनी कोई जल्दी नहीं है, तो अभी के लिए तो इतना ही। तो भाई अपने पास दो ऑप्शन है, या तो इस कुर्ते के साथ यही पैंट पहनी जाए या इस कुर्ते के साथ वाइट शलवार पहनी जाए। तो इस पे अभी हम कंफ्यूज हैं और ये कंफ्यूजन दूर करेंगी अम्मी। तो अम्मी से पूछना। कंफ्यूजन जाने से पहले ही दूर हो गई भाई, हम पहन रहे हैं इसके साथ यही पैंट, सूट करें ना करें हम ये पहनेंगे भाई। हाँ भाई, तो कूल बहुत तैयार हो चुके हैं और बस ये तैयार हो गए आपके भाई। और अब निकलेंगे दादी के घर की जाने। तो भाई आपके कूल बॉय दादी के घर पर मौजूद हैं और यहाँ पर आके कूल बॉय पसीना बॉय बन चुके हैं, क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और पसीना हद से ज़्यादा आ रहा है। तो ये पंखे बंद नहीं हो सकते, तो अगर नॉइज़ आ रही है तो हम माज़ुर ख्वाह हैं और काम तो आपको चलाना ही पड़ेगा जो भी होता है। भाई घर हम आ चुके हैं, अब हम बैठ के आपसे बात करेंगे। हाँ भाई, तो घर हम आ चुके हैं और मैंने कपड़े भी बदल लिए हैं। आज का दिन काफ़ी टायरिंग था, चाहे मैं दोपहर में उठा था और सिर्फ एक ही थकावट थी, खैर फिर भी टायरिंग था। और ईद का दूसरा दिन अपने अख्तितम पे पहुँचता है, अब तीसरा दिन शुरू होने वाला है। शुरू हो गया है क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 12:30, तो आधा घंटा हो चुका है तीसरा दिन शुरू हो गया। तो मेरी तरफ से आपको और आपके घर वालों को ईद मुबारक।
खुश रहें, ईद खुशी से मनाएं और खुशी से मनाने दें। अब हम आपसे मिलते हैं बाद में, अभी पेट पेट फुल हो गया है और अभी नींद बहुत आ रही है तो सोना है अभी। चलो भाई, मैं तो जा रहा हूँ सोने।